सुमिरण कर माँ गायत्री को, सीता सावित्री को सिर नाए, भोला सुमिरण झारखंड के बैठत कुरावलिया में जाए। और सुमरे शीतला मैनपुरी की नदिया ईशन केरी मैदान, आधे चैत राम नवमी को मेला भारी लेत लगाए। और मैया सुमरे लखना वाली कन्नी खटके दिन और रात, सुंदर भवन बनो दुर्गा को पुष्प की लता रही ती लहराए। और महावीर पिलुअन के सुमिरे यमुना की खार बैठ गए जाए, कहियर पिंडी है पीपर की पत्ता लहर लहर लहराए। अरे सुमरे जखैया पेड़ तो बालो, कहियर पेड़ बरगदा क्या है। अरे माह महीना की फूलों को मेला भारी लेब लगवाए। और सुमिरण करके मैया बबुल को कुछ हमें सोए थे पैर पसारे। अरे पूजी गुरु आधार चेतन के पद कमलन में ध्यान लगाए। और सर्व देवतन को सुमिरत है राठौर के सिद्ध दे दरसाए। और मैया सुमरे तिरवा वाली हृदय पे माता विराज आए। आदरणीय श्रोतागण, आदर के योग बुजुर्गों, प्यार करने योग बच्चों, सीता अनुसुईया और सावित्री जैसी भूमि में पलने वाली हमारी माताएं एवं बहनें, आज हम राठौर कैसेट के माध्यम से तरजालहा में माणोगढ़ संग्राम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इस कथा में आप लोग सुनेंगे कि एक मासूम लड़के ने अपने बाप के बैर को किस तरह से चुकाया और किन हालात में जाकर अपने पिता के खून का बदला लिया। तो आ जाइए लोगों,
आज उनके जियरे को समझावे, अरे जिनकी चढ़िए लगुन फिर जाए, उनके जियरे को समझावे, से जब चढ़ तनार मर जाए। और उनके जियरे को समझावे, जिन पे पुत्र शोक पर जाए, देवे के जियरे को समझावे, और करिया निपिया दैत मरवाए। अरे हिलकिया ले लेख देवे जरो बहे अटा पे छोड़ी छोड़ी डिडकार, भर भादों की अरे ने अंधेरी तो करिया ने पिया दैत मरवाए। अरे कोंधा लपके बिजली चमके, थम थम चलते पछैया प्यारे, और जब सुदिया बती है प्रीतम की तो छाती धड़क धड़क रह जाए। और बिंदी छूट गई थी माथे की, चुरियां टूट कलाई सजाए, अरे सुनी से जह आज पिया बिन देवे रोए रोए किर रह जाए। अरे समय हतो पर माल भूप को, समझत हते मिया को ढाल, और चर भेजत ते गढ़ दिल्ली को 7.5 लाख पर माल। और भाग जगे पर माल भूप के, जन्मे उदय राज मलखान, और सब कर बंद भव दिल्ली को, रह गए एठ गेठ चौहान। सुती दसवीं शुभ घड़िया, अरे जेठ सुदी दसवीं शुभ घड़िया, बढ़िया भय उदय चंदलाल, और गोदत डाल दो देवे ने, आंसू भरे नैन में जाए, उपजत बाबुल जाने भकले, आगे कर है कौन हवाल। खबरे पाई रानी मलना ने, पल की तुरंत करी तैयार, मैया आई दस पुरवा में, जहां बे डरे लहर वा भाई। और झारे पहुंची उदल को रानियों, सिंगन दूध करे तैयार, और पंडित अपने को बुलवायो, जो कुल पूजी चने ले राय, चिंतामण पंडित आवत है, साकुट गए हाथ में आए। महोबे की महारानी जो मलना है,
अपने कुलपूज पंडित को आंगन में बुला लेती हैं और पूछने लगती हैं, पंडित जी अरे कैसो नाम करे दुनिया में, पंडित साथी दियो बताए। और तब ही पंडित बोलन लागे, रानी पैया परे तुम्हारे, और ऐसी घरी जू लड़का जन्मो दूसरो नाए रचो करतार। नाम अमर दुनिया में करी है जग जाहर तलवार। अरे सेतु बंद और रामे सुरलो बजी है टाप में नुला प्यार, और बामन गड़े में विजय जो करके जीत को डंका दी है बजाए। किला किला पे परमाले की रानी दुआई दिए फिराए। अरे हो खुश रानी मलहना रानी, सिंगिन को लो दूध मंगाए, मगाओ है बागिन को खिया दे उदय सिंह लाल। और जादन जन्म भाऊ दल को धरती दहल दहल रह जाए। ए नचे पतुरिया पिथी राज की तबला ठोकत बंद हुई जाए। कपी पिंडुरिया है राजा की धतका लगो कले राजा है, और मोहर गिरो है अजमा खेत राजा सोच सोच रह जाए। अब पिथी राज तब बोलन लागे, चंद्र भाटते कही सुना है, और कैसी धरती आज हालत है केला दीजे हमें बता है। और चंद्र भाट तब बोलन लागे, सुनियो शब्द वेद चौहान, और काऊ नरेश घर लड़का जन्म तुम सो रोज बजे तलवार। थोड़ा प्यार और बातें सुन के चंद्र भाट की धधका लगो कले जादा है। आई है चिंता मर पंडित ने, अरे मलना ते कही सुना है, और नामकरण जाको दलिए बबरा बाहन के उतारे। बदले लिए चुका है ऐसा कोलू में बबुला, फिर जब मैं कुठारो दिए फिरा है। और ईट ईट माढ़ों की खोदे पक्को ताल दिए बनवा है, और बातें सुन के पंडित जी की रानी मंद मंद मुस्किया है। नौजवान साथियों, इस तरह से दस राज की दुल्हन देवे के गर्भ से उदल ने जन्म लिया। धीरे 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 ये मासूम लड़का बड़ा होने लगा, और हुआ क्या नौजवानों, अरे बारह बरस के उदल हो गए, 16 के भय ते वीर मल खान, भय ते 18 केरे नुनियाला, जिनकी जग जाहिर कृपान।
जब बछेड़ा जो उड़ने हैं सो रानिया ने दैत गहाए घोड़ा बेंदुला दवे उदल को ओ महारानी महो बे अत्यारे घोड़ी कबूतर दई मलखे को जोरन बाग महोबे अक्यार घोड़ा पपैया दो आला को और ढेबा को दो है मनोरथा बाज हर नागर ब्रह्मा को दीनो है महारानी महोबे क्यार चढ़ चढ़ घोड़ा न कोर फेरत है अरे चढ़ चढ़ घोड़ा न कोर फेरत है आधे सरग करत यधवारे अरे बारा बरस के उदल हो गए तो तब सैयद से कई थी सुना है अरे बाज बेंदुला को सजवा दे चाचा बन रस के रे सरदार और लगी है लाल सा है उरही की चाचा खेलन जावे शिकार अरे जोन पचास संग में कीने जोरण बाग महोबे प्यार और घोड़ा बेंदुला पे चढ़ बैठे गांगन खेलत जात शिकार हिरणा एक दीख गौ ठाड़ो उदल बाके परो पिछार अरे चटके घोड़ा ददके घोड़ा घोड़ा ददकी रह जाए तक तक तीर उदय सिंह मारत बाके तन में आतना घाय अरे बंसु बना फर कोर जालिम है घोड़ा पे चौके चौके रह जाए रही की आज डांगन में खेलत तो बंस बना फरलाल इधर देवे का छोटा लड़का उदल उस हिरण का पीछा कर रहा है मगर हिरण क्या था पूरा मामा मारीच था अरे सुबह से लेके शाम तक लो उदल घेरत जाते अंगारे संध्या काल भौ रही मैं रब ने लई थी आँख छिपाए और हारे थके सफर के मारे सोचत देश राज के लाल और पूरे दिन से नीर मिलो ना प्यास से देह रही कुमिल्या है ही के आज पन घट पे पहुंचे देव कुंवर के लाल अपन हारी कुटा पे पानी भर रही कहीं बना फर लाल और भारी प्यास बहन मुक लागी बहना पानी दिए पिवाए और जैसो घोड़ा सऊ दलिया जो कुआर हो भैरा है
और रैयत उलटी है उरही किया जो उदल पे कही सुना है। और न है क्या कर तेरे बाबुल की जो तोय पानी दिए पिलाए, फिर अपनी उदल चाहो घोड़ा को वापिस दे बगदाद। करुए पानी गरम हुए को करुए बोला सहे न जाए, और हाथ बुले ललही उदल ने कल साफोरे कुआ में जाए, और रैयत भाजी रही वाली और माहिल ते पहुंची जाए। और आओ परदेसी है कोई वीरन बाने कल सादे फुराए, तच के माहिल बोलन लागे अबे सिंह को लो बुलाए। और जल्द चले जा तू मकुटाल और पापी को दियो भगाए। नौजवान साथियों, जिस वक्त उरही के सम्राट मामा माहिल ने ये सुना है तो अपने लड़के अभय सिंह को बुलाकर जवाब दिया जाओ, देखो वो कौन कमीना है कुआ पर जिसने अपनी पब्लिक को इतना परेशान किया। हाय हाय लोगों, ए कूदे बछड़ा पे चढ़ बैठो रे माहिल को ललायंगा रे, और आए गो कुटा के जोर ठाड़े दस राज के लाले। आंखों में खून के कतरे लेकर अवे सिंह बोला ओ नालायक, एक कब कब उदल भयतर बरिहा कब कब गही ढाल तलवार, और राज्य हमारे में आकर के तुमने उधम दो मचाए। और कितने तरबरिया उदलियो निक खेतन में ले अजमाए, और बुई कन्हैया दिवला बालो म्यान खेच ले तलवार, बातन बातन बत बड़ हो गौ राठौर बातन बड़ गई रे, और बात के ऊपर गालिया दे दई गाली दे तबजी तलवार, और चट के कोड़ा बुदे राज को घोड़ाया समान में जाए, और मार मार के अभय सिंह को अरे उदल ने कही सुनाए। और तो हम लड़का देवे वाले धड़ से लेवे मुड़ कटाए, और अबे सिंह खेतन में गिर गो उदल सोच सोच रह जाए, और जाने से मारे जो अब है को तो माहिल रोई रोई किया मर जाए, और भुजाओ खारी अबे सिंह की उरही सकूं चदो करवाए। ऐ सुनी खबरियां जब माहिल ने तो लिली बफा दे भय असवार, और रास्ता रोक लई उदल को तब मामा ने कही सुनाए, और ठाड़े हुई जाओ देवे वाले हमसे बात ले करवाए, और बाग फेर गई रस में दो लगी तब उदल ने कही सुनाए, और कहो कुसलिया मामा अब तुम कैसे घेरे अंगारी आए। नौजवान साथियों, जिस वक्त मामा माहिल ने उदल के रास्ते को रोका है, आंखों में खून के कतरे लेकर माहिल बोला वो आस्तीन के सांप, अरे कैसे बहादुर भय हो रही में सुनियो दस राज के लाल, और रैयत लूट लई और रही की हमको जोर दिखाओ तो आए, अरे टंगी खोपड़िया है जो माढ़ों में जमे जूता दे तू लगाए, और
बाप को दाऊ भैना चुक ओ देवे खे राजकुमार इस वक्त ये सुना है चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, घोड़े से उधर नीचे उतरा है। मामा माहिल की कलाई पकड़कर जवाब दिया, मामा तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, तुम किस मारो की बात कर रहे हो, किसका बाप? माहिल आंखों में खून के कतरे लेकर बोला उधर, अरे ने भयानक अति भादो की करिया ने महबोला लुटा है, और बाप तुम्हारे को करिया ने तो धरी कोलू में दो पिरवाए। अरे चढ़ के जाबो जमान हो पे तो हम समझे मर्द के लाल, और बात चाट गई है उदल को सूखी गई कलेजा साले, और याद आई गई जब बाबुल की उधल रोए रोए रह जाए, जिनके लड़का समर्थ हुए गए पुरखा फिर खेलू में जाए, और हिलकी भर भर उधल रोवे बाई महवे के सरदार। और बाप के बदले जो ना लेवे तो देवे के दूध हराम, धमनियों का गरम गरम लहू उबल गया। मामा माहिल को जवाब दिया, मामा जी हम ईट ईट मारो की खोदे पक्को ताल दिए बनवाए, मेरे जा कोलू मैं बबुला फिर जम्मे को ठाड़ो दे प्रवाए। और एक महीना के अंदर मैं बाप के बदले लिए चुका है, और घोड़ा फेर दो उदल ने पहुंचो महुबे के मैदानी। यार हिलकी लेके उदल अब देवे ढिंग आए हैं, यार हिलकी लेके उदल अब देवे ढिंग आए हैं, हिलकी लेके उदल यार मैया ते आए हैं। मेरे नौजवान साथियों, इधर उदल लौट कर जब उरी से आए हैं, पिता की याद इनके हृदय में रह रहकर धड़क रही थी। अपनी मैया के आंगन में पहुंचे, चेहरा सुस्त है, ओठों की मुस्कराहट गायब है। अपनी माँ के पैर पकड़ के बोले, मैया तुम्हें मेरे प्यार की कसम है, सच बताना। आज पैर पकड़ के निज मैया के तब उदल ने कही सुनाए, और तुम्हें कसम है आज बेटा की जननी साची दियो बताए, ने मारे बबलू हमारे जननी साफ देव समझाए। बारह साल बीती तज हुई गई बबुले देख सके हम नाए, हम किन सु बाबुल कहते तेरे जननी साची दियो बताए,
कर याद बबुल अपने की उदल रोए रोए रह जाए। मेरे नौजवान साथियों, जब देवे मैया ने उदल के मुखारविंद से ये शब्द सुने हैं, वो दिन याद आ गया जिस दिन मैया देवे अपने पिया के गले में बांह डालकर आंगन में सो रही थी और उसकी आंखों के सामने ही जम्बे ने और करिया ने आकर उसके पिया का खून किया था। अरे बात सुन के आज बेटा कहीं देहरी तो मुड़ मार गहरा है गोद बिठाए लो उदल को तब देवे ने कही सुनाए। अरे कन्हैया गोद खिलो ना बेटा साची दी है बताए। और रेल भयानक ती भादो की बादल धड़क धड़क रह जाए। और बबुल तुम्हारे आंगन सोभे बेटा सुनिए अरज हमारी। और करी चढ़ाई ती करिया ने सोबत बाबुल लय दबाए। और बांध के ले गो बू मारो को तेरे बबुला को दो मरवाए। और संग पिया के हम मर जाती पेटन होते लला हमारे। और बुरी आग बेटा की तेरी संगन दो पिया को जाए। और मारो को सरदार करंगा मोजा विधवा दो बनाए। और पैदा होबे दशराज तेयो देवे के राजकुमारी। और जादन सियाने बेटा हो जा मान पे बांध जाइयो तलवार। और बाप के बदले लेके बेटा जम्मे को दियो पिराए। आंखों में खून के कतरे लेकर उदल बोला, माँ अगर उस आस्तीन के सांप ने मेरे बाप को तुम्हारी आंखों के सामने मारा तो ध्यान रखना मैया। और जिनके लड़का समरत हो गए पुरखा फिर कोलुए में जाए। और लानत ऐसी रजपूती फैतेगा बांधन को धरकारी। सवेरे के रमना में मारो पे कले चढ़ाई जाए। और सियाने अब तो मैया हो गए जननिया क्या दे करवाए। मैया देवे ने जिस वक्त उदल के मुखारविंद से ये बातें सुनी है आंखों से आंसू छलक पड़े। उदल को गोद में बिठा कर जवाब दिया, बेटा अरे हिलकी भर गई थी मैया की तब बेटा पे कही सुनाए। अब सियाने ना मेरे बेटा मारो में मत बांधो तलवार। और जबर करेंगा मारो बालो बेटा तुम कौन ली है गिराए। और एक तो पिया हमारे मारे तुझे बेटे दी है मराए। सासु कन्हैया मेरी मानो मानो पे बांधो ना तलवारी। और पैर पकड़ के आज मैया के रोए रोए उदल कही सुनाए। और तोय कसम है मेरे बाबुल की मेरी बहिया को छोड़ दे माए। और
घोड़ा पेंदुला को सजवा दे मारो में खेले जय घाय और खाना खावे अब महुबे में मानो माँ सदऊ को खाए और पानी पीवे गड़ महुबे में मानो रक्त गऊ को पाए और करी पेज लखियू दल की दिवाल दिल की दई सुनाए और जाओ कन्हैया गढ़ माणो पे हुई है विजय लड़े दे लाल और पैदा हो बे मेरी कोख दे दस राज के राजकुमार और ता दिन लौटो गढ़ माणो ते ईट से दीजो ईट बजाए पाल करो तैयार और घोड़ा बेंदुला को सजवा ले रण में खेलो जूझ अधाए बरिया क्या ले ले परमा ले सजो महाराज महोबे क्यारे और फौज कटीली उनकी ले लो इतनी मानो कई हमारे छुई के पैर मैया के उदल महल से निकले हैं यार छुई के पैर देवे के उदल घर से निकले हैं और घर से निकले हैं रनुबंका घर से निकलो है राठौर छुई के पैर जननी के उदल घर से निकलो है हाँ नौजवानों इधर मैया देवे के पैर छूकर उदल जब आंगन से निकला है और महोबे के सम्राट परमाल की कचहरी में जाकर उदल ने सादर अभिवादन करने के बाद जवाब दिया महाराज आज हाथ जोड़ के उदल बोले सुनियो महुबे के सरदार काली सवेरे के रमना में और फौज कटीली देव सजवाए और बातें सुन के आज उदल की मनपुरियन पे परो तुसार हाली अगर दिया फिर गई जर्दी मानो हर दी दई ती फिराए अरे परमाले जब पूछन लागे ओ छन लागे बेटा सुन ले अर्ज हमार कौन दे सकी लगती भाबई कहाँ को चल तल हर वाजवान अरे तब ही उदल बोलन लागे ओ ही उदल बोलन लागे चाचा सांची दिए बताए अरे लगिए लाल सागर माड़ों की बाप के बदले ले बे चुकाए जा कोलू में बबुला फेरे जम्बे को ठाड़ो दे पेरवाए ईट ईट माड़ों की खोदे
बको चाल दी है बनवाए। बात सुन के आजाऊ दल की राजा के धधका लगो है जब जाए। अरे काय को पागल बेटा हुई गए लोहरे देव कुमर के लाल। खेल बिटरियन में खेले हो ना कहूं परो मरद से काम। अरे मोह जब लखियो बाकरिया को महबो लाख कोस हुई जाए। तासे कही हमारी मानो घर में बैठो लड़े ते लाल। सियाने जा दिन उदल हुई जाओ मानो में करियो जूझ अघाय। अरे तड़पे लड़का चाचा अकल गई बोराय। अरे बारह बरसलों कुकर जीवे और सोले लो जिए सियार। बरस अठारह लो छत्री जीवे आगे जीवन को धरकार। तुम सब बैठो कर महुबे में अकेले जाता उदय सिंगलाल। और बिन बदले के जो हम लौटे तो देवे के दूध हराम। नचे बाज मेरो रस बैंदुल बागड़ माड़ो के मैदान। जेठे भैया नुनियालान ओ जेठे भैया नुनियालान तब उदल के कही सुनाए। काय को पागल वीरन हो गए ओ देवे के राजकुमार। रात दिना तलवार। और तासे कही मान ले वीरन घर में बैठो वीरन हमार। कछु दिना के बाद में उदल मानो पे करे खूब तलवार। बातें सुन के आज भैया की कर जो देश राज को लाल। अरे आदो हिस्सा हमरो दे दे हम तो माड़ो को रह जाए। बैठे बैठे जा महुबे में मौजे करियो दादा हमार। कहत दादा जो हमारे एक घोड़ा पपैया को सजवा ले माल हमें बांध चलो तलवार। और ऐसी बानी तो खकी सानी सूखी गई है कले जम पार। जेठे लड़का दसा राज के अपन बांध ले तो तलवार। और जागत देखिए परमाले ने तुरत ही फौज करी तैयार। और खबर भेज दिए सिरसा में लव बुलबाज वीर मलखाने। Thank you.
राजा को बजवावे गढ़ महुवे के आज सरदार और 1,00,000 जवानन के अंदर डंका बजत बना फरलाल। और खबर पाई जब देवे निकमाल हो जाए रे लाला हमारे और डोला मंगवाओ देवे ने मैया बैठी तुर तंगारे। पहुंचे देव कुंवर के लाल और पैर पकड़ के आज रानी के उदल कह दैया जंगारे। और नी के मन से आज्ञा दे दो जो मैदान फले तलवार और फौज कटीली माल को जावे मैया साथी दिए बताए। जा सुन पाई रानी मलना ने ये कदम आरत करी उतार और भुजा पूज दैया जब उदल की रन को कंगन दो गहाए। और लौट के आइयो जब माणो से बाप के बदले लइयो चुकाए। और ढेबा सैयद पीर मल्हारो सजगो ब्रह्मानंद सरदार और खूचक डंका गढ़ महुवे से और माड़ों को दो बजाए। यारो गढ़ महुवे के सूर आज माड़ों को चल गए हैं। यारो गढ़ महुबे के सूर याद माल हम पहुँचल दे हैं। माल हम पहुँचल दे हैं बना फरमाल हम पहुँचल दे हैं। यारो बाप के बदले ले बेको माल हम पहुँचल दे हैं। मेरे नौजवान साथियों, इधर महोबे से प्रस्थान करके जब ये बनाफर वंश के लोग चले हैं माढ़ों के लिए, आज मनिया सो मेरे महोबे अबालो माढ़ों को कूच दो है करवाए मंजिल दर मंजिल ते करके। रहे माढ़ों को जो ध्यान लगाए और धीरे धीरे मंजिल करके अमर गुरुते पहुँचे जाए। गुरुजी जट रहे झारखंड में तब देवे ने कही थी सुनाए। एक बात और बता दे लोगों आपको, महोबे वाले जितने क्षत्रिय थे इन सब के केवल एक ही गुरु थे जिनका नाम था अमर। और अमर गुरु की धुनी के पास जब ये महोबे के लोग पहुंचे हैं तो देवे बोली बेटा उदल झारखंड में अमर गुरु ते पहुंचो तो बंस बना फरलाल। अरे देवे बोलत है उदल से कठ पुतरिया लला हमारे। आज्ञा ले ले आज गुरु जी से माड़ों को कूचा देवो करवाए। अरे सब ही बंसम होबे बालो पहुंचो अमर गुरु ते जाए। अरे दे परिक्रमा आज गुरु जी को सर धर दो तो चरण पे जाए।
अमर गुरु तब पूछन लागे बेटा सांची दियो बताए। अरे कौन दे सकी लगिए भाबई कहाँ को जाता उदय सिंह लाल। और मंडली का तब बोलन लागे गुरुजी अपैया पर तुम्हारे। आज करी पैज करी उदल ने रहे माढ़ों को किला निहारे। और बाप के बदले आज लेवे को हमने खेच लिया तलवार। और नीक मन से आज्ञा दे दो जो मैदान फले तलवार। नौजवान जब माढ़ों का नाम सुना है अमर गुरु को ऐसा मालूम पड़ा मानो उनके कलेजे में किसी ने घूंसा दिया हो। उदल की तरफ मुखार बिंदु करके बोले बेटा कागा मारे हैं पेड़न पे बगुला हने ताल की पारे। एक खेल लोड़ियन में खेले हो देवे के राजकुमार। मवासी गढ़ माढ़ा की बज है रात दिना तलवार। ए मोहरा पर है जब करिया से रन से डार भजो हथियार। और तनिक उमरिया तेरी उदलियो ठन बहाते दूध की धार। कहे कहे और कही हमारी बेटा मानो चुप का लौट महोवे जाओ। यश भक्त गुरु जी की आवाज सुनी है उदल की धमनियों का गरम गरम लहू उबल गया। दांती पीस कर जवाब दिया गुरु जी ए भली भला में गुरु न मनियो ठाड़ो जमी दिए गढ़वाए। नी के मन से आज्ञा दे दो जो मैदान फले तलवार। और कपी पिंडुरिया है गुरु जी की धधका लगो कले जा जाए। और जूना मन है देवे बालो कले हापू तो दे सिंह लाल। हस के आज्ञा अमर गुरु ने और उदल को दई कराए। और जल्द चले जाओ गढ़ माढ़ों को हुए विजय बना फरलाल। और कुछ बोल दो है महुवे से लई माढ़ों की सीध लगाए। और रात दिना की मंजिल करके मंजिल कर तयारू जाए। और 15 दिन को धाबा बोलो माल हो योरी रहे निहार। और सकल महुवी आयो और संग लश्कर पहुँचे माढ़ों के दरम्यान। और नदिया पहुँची जब माढ़ों की देखी आज लहरवा भाए। और भारी नदिया में पानी है उदल सोच सोच रह जाए। और बम बोल गई है उदल ने नदी पे डेरा दे लगाए। और हिलक लेके नजरन बंका दिल में सोच सोच रह जाए। और नदी नर्मदा की रेती में उदल डेरा दे लगाए। और फौजे पड़ी गई है रेती में मर दो ध्यान बिसर ना जाए।
मेरे नौजवान साथियों, इधर जिस वक्त महोबे के लोग मानव का संग्राम विजय करने के लिए नदी नर्मदा पर पहुंचे हैं, नदी में जल बह रहा है, जब नदी की धार इन लोगों के लिए बाधक पैदा हो गई तो ये सभी लोग बड़े असमंजस में पड़ गए। पूरी रात उस नदी के किनारे व्यतीत की है। सुबह ढेबा को बुलाकर आल्हा, उदल, मलखान ये सभी महोबे के लोग बैठ जाते हैं और कहने लगे, ढेबा भैया सच बताओ, ये माढ़ोगढ़ का संग्राम हम किस तरह जीत सकते हैं? तो ढेबा ने जवाब दिया, सुनो, अरे बने बने जोगिया माढ़ो ओरी चल दियो जी, बन बन जुगिया माड़ो ओरी चली दियो जी, ए जिया जली जाओ उदल भैया ली जाओ तुम भे सची पाए, बन बन जोगिया माढ़ो ओरी चल दियो जी, मेरे नौजवान साथियों, जब ढेबा की ये बात सुनी है, सकल महुबिया गण महुबे के जोगी बनता नदी पे जाए और बजत मजीरा है ढेबा के उदल लैया पसुरिया जाए, और लैया खंजरी है मलखे ने तो आलन ढोल टांगी लो जाए, और संगम सैयद ऐसे चल दे बूढ़े मियां बनारस प्यारे, ढेबा से आला बोलने लगे, भैया आगे प्रस्थान कैसे करोगे? तो ढेबा कहने लगा, सबसे पहले हमें भिक्षा देवे के दरवाजे पर मांगनी होगी, और ध्यान रखना लोगों, देवे आला उदल के साथ ही संग्राम में आई थी, तो ये सभी लोग योगी बनकर देवे के डेरे में पहुंचे हैं। ताने छोड़ दही ती जोगिन ने बाई डेरा के ददा मैदान, अरे अलख जगा दो है जो उदल ने मैया भिक्षा मोय दीजे डरवाए, देवे मैया के ददा डेरा पे बोली बम है योगियन ख्यार, अरे भिक्षा लेके जे देवे आई और योगिन को जा रही है निहार, हस के देवे बोलन लागी बाबा पैया में परू तुम्हार, अरे जन्म के योगी तो मनाई हो अद फर डारे है मुड़ा मुड़ा, छोटो जोगी है जो थालो है उनहार रे उदय सिंह लाल, तब ही उदल के बोलन लागे मैया पैया में परू तुम्हार,
पहचानो जननी तुमने खाड़ो पुतरे लोहरवा भाई। अरे बाप के बदले जननी लेवे को हमने डारे है मूढ़ मोड़ा। अरे बन बैरागी कमाल हो में जावे और बाको लेवे किला निहार। फेरी भोर भोरारे के मैया रमना में माड़ो पे तो परी दी है लगवाए। जागत देखी के जब देवे ने मन में फूली के नाए समाए। काए काए? अरे हाथ फेर दो है जो पीछी पे के माड़ो में हुई है रे विजय तुम्हारे।